भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऑटो गैलरी। हमारी दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर। तो भाई, आज हम आपके लेके आए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसके अंदर एक बेसिक मॉडिफिकेशन हमारी हो रही है यहाँ पे। सो भाई, दिखाते हैं क्या कैसे मॉडिफिकेशन हो रही है। साथ ही साथ भाई, अगर आपको हमारी वीडियो चैनल अच्छा लगता हो भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो भाई, अब चलते शुरू करते हैं, वीडियो में दिखाते हो क्या कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है। सो भाई, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो मिरर हमारा लग के आया था कंपनी के जो, तो भाई इसको निकाल दिया गया है वहाँ पे लगा के हमारा मिरर जो महिंद्रा जेन्युइन है। इसके अंदर आपको ORVM मिलती है भाई, जिसके थ्रू आप जो आपके गेट है, जैसे ही आपने लॉक करते भाई हमारे फोल्ड हो जाएंगे। जैसे ही आप अनलॉक करेंगे, हमारे जो मिरर है वो अनफोल्ड हो जाएंगे। साथ ही साथ भाई, अंदर से आपको स्विच मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन को अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का सिस्टम भी आपको यहाँ से अंदर से मिल जाएगा, जिसके थ्रू ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे। साथ ही साथ जो हमारी हेडलाइट है, उसके अंदर हमारे DRL को लगाया जाएगा। DRL के बाद भाई लुक अच्छी खासी मिलेगी। साथ साथ थोड़ा नीचे देखा जाए तो भाई, यहाँ देखिए फॉग लैंप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है हमारा DRL के साथ जो होता है। बेजल को अच्छे से इंस्टॉल कर देगा। साथ ही साथ भाई, इसकी जो वायरिंग है वो भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी, विदाउट कटिंग। भाई कटिंग भी नहीं होगी, साथ ही साथ आपको कपड़े टू कपड़े से फिनिशिंग मिलने वाली है। उसके बाद बात की जाए और क्या क्या इसके अंदर मॉडिफाई हो रहा है, तो भाई इंटीरियर से दिखाना चाहूँगा इंटीरियर में क्या क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे गेट में यहाँ पे डैम्पिंग हो चुकी है, जो स्पाइडर बैंडिंग की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात की जाए क्वालिटी इसकी अच्छी मिल जाएगी, इसके थ्रू भाई गुड भी हमारा हैवी हो गया। देखिए तो भाई अच्छी खासी यहाँ पे इसको हैवीनेस मिल जाएगी। साथ साथ भाई स्पीकर भी आगे के अपग्रेड होने वाले, अभी हुए नहीं है, तो अभी जैसे हमारे स्टॉक में लग गया था भाई, वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं हमारे सीट का वगैरह प्रिपरेशन चल रही है। ऊपर देखिए सीट का यहाँ लग चुका है, यहाँ पे भी सीट का लगा नहीं, तो भाई लगाने में काम हुआ। जैसे ही गाड़ी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, दिखा दो क्या अच्छी खासी एक लुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हमारी दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है कपड़े टू कपड़ा फिनिशिंग विदाउट वायर कटिंग। तो भाई वायर कटिंग आपकी नहीं होगी, साथ साथ कपड़े टू कपड़ा फिनिशिंग जस्ट प्लग एंड प्ले का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा जेन्युइन का आपको यहाँ पे देखिए DRL फॉग लैंप मिल रहा है, जो हमारा कंप्लीट जेन्युइन मिलने वाला है आपको। भाई बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिला है आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर, अच्छा खासा इसको रिस्पॉन्स मिला है। देखिए इंडिकेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिवर्स का ऑप्शन में मिलेगा। साथ साथ अच्छा खासा एक डिसेंट लुक भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करें भाई यहाँ देखिए, तो भाई यहाँ हमारा लगा रियर गार्ड, जो हमारे डाइजेक्स कंपनी का होगा, अच्छी स्ट्रेंथ, प्रॉपर फिटिंग, भाई सब कुछ यहाँ पे अच्छा मिलेगा, जो आपकी गाड़ी को डैमेज से प्रॉपर तरीके से बचाने वाला है। भाई इसके साथ साथ ऊपर दिखा दो भाई, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा देखिए हमारा पूरा क्रोम फिनिशिंग लग चुका है। 3 पीस के अंदर आता है हमारा बम्पर क्रोम, 3 पीस यहाँ पे लग चुके हैं। भाई फाइनली यहाँ पे हमारा काम कम्प्लीट हो गया थोड़े इंतजार करने के बाद। तो भाई शुरू करते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए। तो भाई सबसे पहले दिखाऊंगा जो हमारा यहाँ पे मेनली जो भाई सब करवाते हैं DRL फॉग लैंप। तो भाई अच्छी खासी फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ भाई अच्छा खासा ब्राइट रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि जेन्युइन महिंद्रा का है, बेजल हमारा लग गया जेन्युइन महिंद्रा का। साथ ही साथ भाई फॉग लैंप का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा, फॉग लैंप का रिस्पॉन्स कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ फॉग लैंप का। भाई फॉग लैंप चलाने जरा। सो भाई ऐसा कुछ आपको लुक मिलेगी यहाँ पे। बाकी भाई ये देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको सिर्फ हमारे इसका मिल रहा है फॉग लैंप का। उसके बाद कीजिए जो भाई इसके अंदर अलग काम हुआ, तो भाई ये देखिए हमारे जो इसके अंदर आपको दिख रहा है भाई, ये देखिए आपको यहाँ कुछ अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हमारा DRL। तो भाई DRL के रूप से कितने अच्छी ब्राइट क्लियर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको भाई इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। भाई गाड़ी बंद करके चालू कर दो जाना भाई जरा। तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से आपको वेलकम यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन लुक यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ इंडिकेटर देना इंडिकेटर। तो भाई ये देखिए इसके अंदर भी आपको इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, बहुत अच्छा डिसेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी जो भाई लो बीम हाई बीम को हमने अपग्रेड किया वो दिखा दो भाई, जरा गाड़ी ऑन करके लो बीम चला दो, लो बीम। तो भाई देखिए लो बीम हमारी ऑन हो चुकी है, भाई लो बीम का रिस्पॉन्स देखिए कितना ब्राइट रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिल रहा है। हाई बीम भी चला दो एक बार। तो भाई देखिए हाई बीम, तो भाई हाई बीम का रिस्पॉन्स देखिए और ज़्यादा ब्राइट यहाँ देखने में। भाई डिपर मारो जरा। तो भाई देखिए डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा ब्राइट मिला, 200 मीटर प्लस की यहाँ पे आपको इसकी रेंज मिल जाएगी। अच्छा खासा आगे से एक ब्राइट लुक सेटअप यहाँ पे हो जाता है हमारा, लग्जूरियस लुक, साथ ही साथ भाई क्लासी लुक यहाँ पे अवेलेबल होता है देखने को। उसके अलावा बात की जाए भाई क्या क्या इसके अंदर और अपग्रेड किया गया, तो भाई और दिखा दो क्या क्या अपग्रेड किया है। अगर हम मिरर की बात की जाए तो भाई जो साइड मिरर हमारा ये है भाई, ये हमारा हो गया कंप्लीट, इसमें ऑटो फोल्ड कर दिया हमने, अच्छी खासी यहाँ आपको फिटमेंट मिल रही है। साथ ही साथ भाई ये देख सकते हैं, ये देखिए भाई गाड़ी को किया हमने लॉक, ये हो गया हमारे मिरर फोल्ड, ठीक है गाड़ी को एकदम अनलॉक और मिरर हो गया अनफोल्ड। तो भाई कंप्लीट कंट्रोल यहाँ से आपको चाबी से मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल रहा है, भाई लगा जरा चाबी। उसके बाद बात कीजिए भाई डोर की भी सेटने दे दो। तो भाई यहाँ देखिए
तो भाई यहाँ से आपको कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। भाई देखिए बटन क्या बन, सो भाई ये हो गया बन, बटन क्या ऑन, भाई खुल गया। तो भाई कंप्लीट कंट्रोल यहाँ से आपको मिल रहा है, साथ साथ भाई यहाँ से देख सकते हैं स्विच से, ये आप करेंगे कंट्रोल डायरेक्शन वहाँ मिला के देख सकते हैं, दिखाता हूँ। भाई ये हो गया आप, ये हमारा डाउन, ये लेफ्ट और ये राइट। सो भाई यहाँ से कंप्लीट कंट्रोल मिल रहा है, साथ ही साथ अगर दूसरा मिरर चाहिए उस साइड का मिरर, तो भाई यहाँ देखिए आपको सिंपली इसको उस साइड घुमा देना पूरा। अब भाई वहाँ देखिए हो गया अप, ये हो गया डाउन, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये देखिए भाई तो कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात की जाए और मॉडिफिकेशन की, तो भाई स्टीयरिंग दिखाना चाहूँगा, स्टीयरिंग में हमारा वर्क होता है भाई कंप्लीट ब्लैक में, यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग लगा के अच्छी डिसेंट क्लासी लुक यहाँ पे मिलती है गाड़ी की। देखिए भाई चार कट के अंदर आपको मिलने वाला है, 1, 2, 3 और ये चौथा, तो भाई चार कट के अंदर मिल गया, लुक वाइज बहुत बेहतरीन है, क्लासी भी लग रहा है साथ साथ। भाई इसका टच, भाई टच भी बहुत प्यारा है, कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा लुकिंग फिटमेंट और भाई कंपनी की टेक्सचर, जो टेक्सचर है हमारा वो ही बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ भाई इसमें काम हुआ हमारा सीट कवर का, तो भाई सीट कवर दिखा दो, ये देखिए हटना भाई जरा। तो भाई ये देखिए कुछ इस तरह के आपको टॉप मॉडल वाले सीट कवर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये देख सकते हैं भाई। फिटमेंट देखिए, फिटमेंट आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन मिलने वाले, कहीं से भी आपको यहाँ पे रिंकल नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी खासी फिनिशिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है। भाई यहाँ देखिए आपको मिल रहा है चेन सिस्टम, बिल्कुल भी एलपी सिस्टम नहीं होगा। साथ ही साथ भाई बात की जाए इसके अंदर अगर कस्टमाइजेशन करवाना हो तो भाई वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। सीट कवर के साथ साथ भाई आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आर्म रेस्ट पे कर दिया सॉफ्ट टच, देख सकते हैं भाई कितना सॉफ्टनेस आपको यहाँ पे दिख रही है। भाई ये देखिए कितना अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाला है भाई स्टिचिंग। साथ ही साथ बात की जाए भाई इसके जो टेक्सचर है वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे अच्छा खासा मिलने वाला है। उसके बाद बात की जाए भाई और क्या क्या हुआ, तो भाई हमारा यही काम हुआ है इसके अंदर। बाकी अगर आप चाहते हैं और मोटिवेशन का मान, तो भाई आपको आना हमारी दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। साथ ही सकते हैं जो स्विच पैनल है ये भी अपग्रेड किया गया, महिंद्रा जैन का स्विच, महिंद्रा स्विच के पैनल, साथ ही साथ इनर हैंडल भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया। बैक प्रोफाइल की बात की जाए भाई, बैक प्रोफाइल के अंदर हमारा क्या काम हुआ था भाई, दिखा था जो मैं आपको डायजेक्स ब्रांड के साथ यहाँ मिल रहा है आपको रियर गार्ड, जिसके अंदर डबल लाइनिंग क्रोम होने वाला है। साथ ही साथ भाई आफ्टर मार्केट हमारा रिफ्लेक्टर, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग और बाकी आपको ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिला है, अच्छे खासे फीचर इसके अंदर अवेलेबल आपको देखने को मिलते हैं। बाकी भाई जो हमारा ये देखिए आपको क्रोम फिनिशिंग मिले 3 पीस के अंदर, 1, 2, 3, तो भाई 3 पीसिंग के अंदर आई हमारी अच्छी खासी यहाँ पे ऐड हो गया, बिल्कुल भी निकलने का चांस नहीं हो, क्योंकि भाई स्क्रू सिस्टम यहाँ पे लगा है, बिल्कुल भी पेस्टिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो भाई ये कुछ हमारा काम हुआ यहाँ पे। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे पास, हमारे चैनल ऑटो गैलरी और हमारी दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर में, ऐसे ही आपको अच्छे से अपग्रेड मिलते रहेंगे हमारी गाड़ियों के अंदर। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लाइक और शेयर जरूर करना।